कोई ऐसा ये तो नहीं था, ये वो नहीं था, ये लेग बिफोर नहीं था, अगर रन आउट ना होता। अब उन्होंने वैसे थर्ड अंप पाया, मुझे तो लेग बिफोर लग रहा है, साइन आउट था। अब अच्छा ये गेम अवेयरनेस, अब देखिए दिस इज कॉल्ड गेम अवेयरनेस। यहाँ पे बैठे हम रन आउट पे सोच रहे, वो एलबीडब्ल्यू का सोच रहे शायद। अब ये क्या, ये गेम अवेयरनेस ही है ना। अब ये देखें, ये बार बार हम दिखाएंगे, ये उस नवाज को कोई पता नहीं है किधर है बॉल। शहीन को पता था कि मुझे नहीं पता, तो उसने कह दिया नो। अब नवाज को भी नो करता तो चार ओवरों में हो सकता हम 30-35-40 कर लेते। ठीक, बिल्कुल। लेकिन मुशीबा एक बात मैं देखिए, गौर से देखिएगा अभी, ठीक है ना। अब शहीन को तो नजर आ रहा है ना, शहीन को नो करनी चाहिए थी साथ में कि वो नहीं पहुंच पाएगा। वैलिड पॉइंट है, शहीन को नो करनी चाहिए थी कि वो नहीं पहुंच पाएगा, वो निकल चुका है। अच्छा वो अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा इस पे अगर हम डिबेट करें ना किसी चीज पे, ये देखें देखते रहे आप, ठीक है। अब शाहीन को नजर आ रहा है, उसको नजर नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, इसको भी नजर आ रहा था, उसको नजर, लेकिन उसको थोड़ी नजर आ रहा था कि इसको 2.5 किलोमीटर जाना है। नवाज मानता यही था कि शाहीन को नहीं आना चाहिए, ये आगे भी बहुत था, उसको पता भी नहीं चल रहा। अगर अगर यूसुफ देखो मेरी बात सुना, अभी इस पे टाइम जाया करते हैं ना, टाइम नहीं जाया करें। हमने जो है ना जे डॉट के परफ्यूम्स के लिए आपसे स्पेशल एक सवाल भी पूछना है, टाइम बिल्कुल नहीं हमने जाया करना है। सवेरा को बोलने नहीं देते, बोलते उसने नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू किया, मुझे ये बताया आपका पॉइंट ऑफ व्यू किया। हमने आप लोगों से पूछा #AskZKJ और आप लोगों के सवालात हमने शामिल करने हैं। ब्रेक के बाद जब हमारा ये एक सेशन आगे बढ़ेगा तो हमने आपके सवालात भी शामिल करने हैं, साथ ही साथ आपसे सवाल भी पूछा जाएगा। ब्रेक पे जाते जाते हम उमेर ये सवाल पूछेंगे, अभी जरा हमारा ब्रेक पे टाइम है। बट ये जो हम इस भगदड़ की बात कर रहे थे, यस हमने वापस ले लिया है। ये जो मुशी भाई जो है ना, मुशी भाई जो शरारत कर रहे थे ना रन आउट होने की, बट यही हम मैच अवेयरनेस की बात करते हैं, हम गेम अवेयरनेस की बात करते हैं। देखिए जब वर्ल्ड कप में सारी टीम्स आती हैं, एक बराबर ही होती है ना, जो सारी एक वर्ल्ड कप आके खेल रही होती है इतनी सारी टीम्स में से, यही वो छोटी छोटी चीजें होंगी जहां पे आपको हाफ चांसेस को फुल चांसेस में कन्वर्ट करना है, या हाफ चांस को बिल्कुल नलफाई कर देना है कि वो चांस कोई दूसरी टीम ना ले सके। पहली बात तो ये है कि ये सारी बराबर नहीं है, ऐसे नहीं है, बहुत फर्क है। ये नेदरलैंड, इवन मैं कहूँगा श्रीलंका भी इस लेवल पे नहीं है, ठीक है, ये हल्की थोड़ी बाकी टीमों से चांसेस मिलते हैं, मौके मिलते हैं आपको, आपको अवेल करने होते हैं। और मेरा ख्याल है कि आज थोड़ा सा मुश्किल था शुरू में, हमने नेदरलैंड से जैसे खेला, हमारा तो कहना बनता ही नहीं है। नहीं नहीं कहना बनता है, फिर भी कहना बनता अच्छा। है वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, हमारे तीन ऐसे बैट्समैन हैं जो टॉप 10 में है, व्हेन रिस्पोंडिंग हमारा शहीन शान टॉप 10 में है, बाकी बॉलर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, टीम बहुत बैलेंस्ड टीम है। लेकिन ठीक है, बास्केट आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो डे बाय डे लर्न करनी होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी करनी होती हैं कि आपको फेयरलेस क्रिकेट खेलनी होती है, थोड़ा टाइम लेके उसके बाद आपको फेयरलेस खेलना है ऐसी टीमों के खिलाफ। शुरू में ग्रिप हो रहा था, बाउंस के साथ टर्न हो रहा था, मुश्किल है, जो चीज़ मानने वाली वो माननी चाहिए, लेकिन थोड़ी देर बाद ये ठीक होनी थी। उस पे आपको काम करना चाहिए था कि हम विकेट नहीं देते अभी, फिर जैसे थोड़ा ठीक होगा अब हमने हाई स्ट्राइक रेट से जाना है, उस वक्त हमने फिर डॉट बॉल नहीं खेलनी, ये प्लान होना चाहिए। और पहले टाइम ले लें थोड़ा सा और उसके बाद इन्हें ही बिल्ड करें आगे। हाँ, अगर ऐसी विकेट मिल जाए तो फिर शुरू से आपको 6-7 रन के स्ट्राइक रेट से जाना चाहिए, और 70 का जेन में होना चाहिए, पहले 10 रन डॉट नहीं खेलना चाहिए। बट जे डॉट क्या दे रहा है, हम डॉट जे डॉट की तरफ आ जाते हैं। डॉट के साथ ही सवाल जे डॉट की जानिब से आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, और सवाल यह कि 1975 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन था। अगर आपने जोर का जोड़ की, जो हमने एक हिस्ट्री पहले जो कवर की थी जिसमें 1975 से हमने शुरू किया था, तो आपने बताना कि उस पाकिस्तान की टीम का कैप्टन कौन था। और आपने 0317 नंबर भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 7707174, इस नंबर पर आपने कॉल करनी है। नंबर एक मरतबा फिर से आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, 1975 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन का बताना है। जो खुश नसीब होगा उसको मिलेगा जे डॉट की जानिब से ये परफ्यूम, जो कि है रूलर, इनका एक नया ब्रांड जिनकी जानिब से लॉन्च किया गया है। ये ज़बरदस्त परफ्यूम है, इसकी ज़बरदस्त जो है फ्रेग्रेंस है, तो आप वो खुश नसीब बन सकते हैं। नंबर आपके पास, हम भी सही जवाब देके ये रूलर हमें भी मिल सकता है ना? हमने तो खुद किया 75, तो हमें तो वैसे शायद मिल जाए। बिल्कुल, सो यस ये जी बिल्कुल, जल्दी से कॉल कीजिए, आपको नंबर बता दिया उमेर ने, आपने देख लिया स्क्रीन पे नंबर, कॉल कीजिए और सही जवाब दीजिए एंड हासिल कीजिए ये बहुत ज़बरदस्त खुशबू है इसकी, मेरी बहुत नज़र है इस पर, जल्दी से इसको आप लोग मैसेज करें और जो है हासिल करें, ये गिफ्ट आपको मिलेगा रूलर जे डॉट की तरफ से। और ब्रेक पे अभी हमने जाना है, वक्त
हमारा ब्रेक कौन है वाला, और लाला ने तो उसको है ना अच्छा, आई वाज टेलिंग यू यस बिल्कुल, बहुत जबरदस्त परफ्यूम, इट इज रियली गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी गुड, सो यस, सो ब्रेक पे हम जाने वाले हैं और ब्रेक पे जाते जाते इसमें बैठ के चले जाना, ब्रेक पे हम जाने वाले हैं, अब मैं इस पे चार्ज रुपए से लगाम भी नहीं है, ब्रेक पे लगाम भी नहीं है, मैं इस पे मुझे ब्रेक पे जाने दीजिए, हम ब्रेक पे जाने वाले हैं और ब्रेक पे जाते जाते मैं आपको बताती चलूं कि जी प्रेडिक्शन टेबल भी दिखाएंगे आपको जब हम वापस आएंगे कि क्या क्या, दो मैचेस हो चुके हैं, दो प्रेडिक्शन हमारे सामने हैं, हमारे एनालिस्ट की ये मुकाबला किस तरह चल रहा है और कैसे चल रहा है वो भी आपको बताएंगे, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल, और जनाब दूसरा मैच इस वक्त जारी है वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल का, जहां पे पाकिस्तान और नीदरलैंड्स एक दूसरे के आमने सामने, पाकिस्तान ने 287 रन्स का टारगेट सेट किया है नीदरलैंड्स के लिए, और थोड़ी ही देर में जो है अब नीदरलैंड्स आपको इन एक्शन दिखेगी। 287 हमने काफी डिटेल में बात की 287 के टारगेट के हवाले से, बट ऑब्वियसली आप लोगों के सवाल हम जरूर एडअप करेंगे, अभी भी आपके पास मौका है, अगर आपने सवाल पूछना है जल्दी से #AskZKJ लिखिए और सवाल पूछे, हमारे लेजेंड्स उन सवालों का जवाब देंगे, मगर आप लोगों के सवालों से पहले मैं एक अगले सवाल की तरफ जाना चाहती हूँ। नाउ जब हम बात कर रहे हैं नेदरलैंड्स की, लाला उन लोगों ने तो स्पिनर्स से आगाज किया था, ऑब्वियसली हमारी एक मेन फोकस है कि हम शाहीन के साथ शुरू करेंगे, एंड शाहीन के साथ कौन किसको आपको लगता है कि शुरू, आई थिंक मेरे ख्याल में ये जो माइंड बना के हैं या जो हमने प्रैक्टिस मैचेस के अंदर देखा है, आई थिंक हसन अली जो है वो यूजफुल रहेगा, इसलिए कि वो एरिया बड़ा अच्छा नहीं है, बॉल का एरिया बहुत अच्छा है उसके पास है, वो सामने से आउट स्विंग अंदर लाना, तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन मुझे समझ नहीं, ट्राई कर सकते हम भी कर सकते हैं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, डिफरेंट चीजें कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में भी फिलहाल क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है, गो विद इट। मुझे भाई एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हमारा जो टारगेट सिमिलर टू जो कल हमने मैच देखा पहली इनिंग में उतना ही था और 9 विकेट से बाहसानी जीता, और अगेन टीम बेशक नेदरलैंड की है वो अच्छे मैचेस खेल कर आए हैं, क्वालिफायर से जीत कर आए हैं, तो हमें क्या ऐसा हमारे बॉलर्स को स्पेशल करना होगा कि कल वाली रिपीट एपिसोड ना हो? बिल्कुल सिंपल करें, अपनी अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ पे रखें, उनको ये ना देखें कि एक ओवर में आउट कर देना, बस आप अपनी टारगेट अपनी लेंथ को कंटिन्यू करें, और जिस तरह आपने शाहिद से क्वेश्चन किया था कि हसन अली का, मैं कहता हूं कि अगर दोनों सज्जे हैं तो यहां पे नवाज को करवा देना चाहिए, नवाज से होता है क्या कि ये पिच के आपने देखा कि नया बॉल थोड़ा स्पिन भी होता है और ग्रिप भी हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में जो लेफ्ट आर्म सीमर होता स्पिनर होता है ना वो आपको LBW और उसको विकेट लेने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बैट्समैन जो ओपनर होते हैं ना उनकी टेक्निक स्पिनर को खेलने वाली जल्दी इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि आप देखेंगे नए बॉल को उन्होंने फ्रंट फुट पे आके खेलना है, और नॉर्मली जो ओपनर्स होते हैं वो नए बॉल को ना काफी काइंड ऑफ बैक फुट पे तैयार होते हैं। कितनी बॉलों का, सॉरी कितनी बॉलों का स्पेल, कितने ओवर का स्पेल होना चाहिए अगर आप लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात कर रहे हैं? 2 से 3 ओवरों से ज्यादा नहीं होना, 2 से 3 ओवर कि मतलब आप देख रहे हैं अगर उसमें वो ब्रेक थ्रू आपको मिल जाता है, नथिंग बेटर देन दैट, यू कैन ऑलवेज ब्रिंग बैक, बिल्कुल, और वापस आप प्लान पे आ गए। हसन अली का, हसन अली ने अच्छी बॉलिंग की है, मगर ये लेफ्ट आर्म स्पिनर का ये होता है ना कि आजकल LBW आपको फ्रंट फुट पे भी मिल जाता है, हमारे दौर में फ्रंट फुट पे LBW नहीं मिलता था, अब देखना जैसे हसन अली आउट ऑफ अंपायर कॉल्स थी, ऐसे लग रहा था कि ऊपर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए मैं कहता हूँ कि लेफ्ट आर्म स्पिनर का जबकि आपके पास नसीम नहीं है तो आपने ये बहुत इंडियन पिचों के ऊपर बहुत चांसेस होते हैं फॉरनर टीमों के, लेकिन दोनों आप बात करें कि दोनों अगर राइट हैंडर्स होते, दोनों राइट हैंडर्स, दोनों रिवर्स स्विंग की आपने बात की थी यूसुफ, जिस वक्त हम बात कर रहे थे कि हमें अभी जब नेदरलैंड